बच्चों, जैसा कि पिछली क्लास में हम आपको पढ़ा रहे थे डीएनए, और सभी जानते हैं कि डीएनए और उसके साथ होता है आर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आरएनए, जिसे हम कहते हैं राइबो न्यूक्लिक अम्ल। हेडिंग डाली है सभी लोग राइबो न्यूक्लिक तो देखिए राइबो न्यूक्लिक अम्ल यानी कि आरएनए क्या है, ये आज हम आपको बताएंगे। तो लिखेंगे आरएनए का निर्माण डीएनए से होता है। आरएनए का निर्माण डीएनए से होता है, यह भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, यह भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स श्रृंखला से बना होता है। यह भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स श्रृंखला से बना होता है, जिसका निर्माण हजारों न्यूक्लियोटाइड्स से होता है, जिसका निर्माण हजारों न्यूक्लियोटाइड्स से होता है, यानी कि हजारों न्यूक्लियोटाइड्स के मिलने से क्या बन जाता है आरएनए। तो जिसका निर्माण हजारों न्यूक्लियोटाइड से होता है, आरएनए का न्यूक्लियोटाइड्स भी डीएनए जैसा ही होता है, लेकिन यह दो बातों में डीएनए से भिन्न होता है। नंबर एक, इसमें राइबोस उपस्थित होती है, डीऑक्सीराइबोस नहीं। लिखेंगे इसमें राइबोस उपस्थित होती है, डीऑक्सीराइबोस नहीं। तो समझ में आया सभी बच्चों को कि आरएनए में क्या है, राइबोस उपस्थित होती है, जबकि डीएनए में क्या होती है, डीऑक्सीराइबोस, इसीलिए उसे डीएनए कहा जाता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसमें थायमीन नामक नाइट्रोजन क्षारक के स्थान पर, इसमें थायमीन नामक नाइट्रोजन क्षारक के स्थान पर यूरेसिल होता है, तो ये देखिए दो बातों से भिन्न है। तो आप लिखेंगे, अगली लाइन से लिखें, यह सामान्य अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है, लेकिन यह द्विरज्जुकी एवं अनुवांशिकी होता है, यह रियो विषाणु में
अनुवांशिक भी होता है, यह लियोग इशारों में अनुवांशिक भी होता है। यह डीएनए के अतिरिक्त एक न्यूक्लिक अम्ल के रूप में कोशिकाओं में उपस्थित होता है। न्यूक्लिक अम्ल के रूप में कोशिकाओं में उपस्थित होता है। यह एकल कुंडलीय होता है। अब हेडिंग डालेंगे आरएनए के प्रकार। टाइप्स ऑफ आरएनए, आरएनए के प्रकार। तो देखिए आरएनए के प्रकार को दो भागों में रखा गया है। कौन कौन से? तो सबसे पहले नंबर एक भाग लिखें आप। उसकी हेडिंग भी है नंबर एक की अनुवांशिक। तो लिखेंगे अधिकांश पादप विषाणुओं तथा जीवाणु भोजियों में अनुवांशिकी पदार्थ आरएनए के रूप में पाया जाता है। और इनमें डीएनए उपस्थित होता है नंबर सेकंड लिखेंगे अनुवांशिक। देखिए आरएनए समस्त सुकेंद्रकीय तथा पूर्व केंद्रकीय में अनुवांशिकी का नियंत्रण डीएनए के द्वारा करता है। आरएनए इस प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करता है यह तीन प्रकार का होता है नंबर एक संदेश वाहक आरएनए, तो ये आरएनए के प्रकार में ही आपका आ रहा है। नंबर एक है संदेश वाहक आरएनए। तो पहले इसमें आरएनए के प्रकार में हमने आपको बताया कि पहला क्या है, संदेश वाहक आरएनए। संदेश वाहक का मतलब क्या होता है? जो संदेश को ले जाने लाने का कार्य करता है, जैसे पोस्ट मास्टर होता है, वह संदेश क्या करता है, ले जाता है या देने का कार्य करता है। इसी प्रकार इसको हम मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं। इसे हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। ठीक है, तो लिखेंगे ये राइबोसोम्स की सतह पर प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं।
प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं तथा डीएनए में उपस्थित अनुवांशिक संदेशों को तथा डीएनए में उपस्थित अनुवांशिक संदेशों को कोडान के रूप में केंद्रक से कोशिका द्रव्य में पहुंचाते हैं। केंद्रक से कोशिका द्रव्य में पहुंचाते हैं। आरएनए का संदेश वाहक नाम जैकब एवं मोनाड ने दिया था। इसकी संरचना में निम्न भाग भी पाए जाते हैं। इसकी संरचना में निम्न भाग भी पाए जाते हैं। तो ये था आपका संदेश वाहक आरएनए। दूसरी हेडिंग डालेंगे राइबोसोमल आरएनए। इसी की दूसरी हेडिंग है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए, तो देखिए राइबोसोमल आरएनए क्या है, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट। अभी आप संदेश वाहक लिखा हुआ है, संदेश वाहक का आप डायग्राम बना लीजिए कि संदेश वाहक का डायग्राम किस प्रकार से होता है, इसे आप बना लीजिए, फिर आप राइबोसोमल आरएनए लिखेंगे। तो देखिए संदेश वाहक किस प्रकार से होता है,
सभी स्टूडेंट्स देखिए, ये संदेश वाहक आरएनए की संरचना है, यानी कि इसे हम कह सकते हैं एमआरएनए। इसका मतलब हुआ मैसेंजर आरएनए। तो मैसेज को किस तरीके से ये पहुंचाता है आरएनए पूरी बॉडी में, तो इस प्रकार का जो है ये 5 इंच है और ये यहाँ पर 3 इंच है। ये कैप है इसका, इसे आपको पूरा ब्लैक करना है, इसे भी देखिए ये कैप है। और ये इसकी जो ये संरचना है, ये यहाँ से आरंभन पूर्ण प्रारंभ हो रहा है और NC1 है, यानी कि इसकी जो संरचना है वह 10 से 100 न्यूक्लियोटाइड्स इसके अंदर होते हैं। और ये संरचना दोनों यहाँ पर क्या है, अलग अलग हुई, ये यहाँ पहुंचा रहा है और ये यहाँ, यानी कि इसे हम कहेंगे कूटित खंड, यानी कि ये खंड क्या हो रहा है, टूट रहा है और यहाँ पर 1600 न्यूक्लियोटाइड्स इकट्ठे हो रहे हैं और जो क्या कर रहे हैं, अपने अपने मैसेज को भेज रहे हैं। ये समांतर पुट है, यहाँ पर ये समाप्त हो जा रहा है। फिर यहाँ पर NC2, यहाँ पर 50 से 150 न्यूक्लियोटाइड्स उपस्थित होते हैं। लास्ट में देखेंगे बहु, बहु का मतलब सर बहुत सारे, 100 यानी 200 से 250 न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर उपस्थित है। तो ये संरचना है एमआरएनए की संरचना, इसे बना लीजिए। यह कोशिकीय आरएनए का लगभग 80% होता है। यह कोशिकीय आरएनए का लगभग 80% होता है। यह राइबोसोम तथा न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर खंड का आधारीय संघटक होता है। राइबोसोमल आरएनए के द्वारा संरचनात्मक एवं उत्प्रेरणात्मक भूमिका निभाता है। इसे कुंडलन के रूप में देखा जा सकता है। यह तीन प्रकार के होते हैं। पहला उच्च अणुभार और सेकंड है मध्यम अणुभार। तो देखेंगे आपने यहाँ पर ये तीन प्रकार के हुए, इसका डायग्राम भी बना लीजिए। Thank you.
और ये आपको ये दिखाई दे रहे हैं, तो ये युगल नहीं है क्योंकि ये दो जोड़े में है, इसलिए हम इसे युगल छीन करते हैं। जब जोड़े में नहीं होता है तो ये हो जाता है आयुगल छीन, आयुगल छीन। अब ये देखिए अवस्था कैसी बनी है, कुंडलित खंड, तो इसे हम कहेंगे कुंडलित खंड। और ये लंबा तंतु बना है, इसे हम कहेंगे लंबा खंड। तो ये है आपकी क्या, कौन सी संरचना, राइबोसोमल आरएनए। तो इसे पूरा लिख लेंगे राइबोसोमल आरएनए की संरचना, इसे बना लीजिए तो देखिए राइबोसोमल की आरएनए संरचना में उच्चलुहार, मध्यमलुहार तथा निम्नलुहार होते हैं। आपने देखा कि ये जो इस तरीके की संरचना बना रहे हैं है आरएनए की संरचना। तो इस डायग्राम को बना ले, आगे इसके बाद इसका कल पार्ट हम तीसरा पढ़ाएंगे।